दोस्तों नमस्कार। सारे बेरोजगार अब किराना स्टोर या ढाबा खोल लेंगे। सरकार किराना स्टोर और ढाबा खोलने के लिए जो अप्रूवल्स चाहिए उसमें बदलाव करने जा रही है। अभी तक एक किराना स्टोर कानूनन तौर पे खोलने के लिए तकरीबन 17 तरह के लाइसेंस की आपको ज़रूरत होती थी, या ढाबा खोलने के लिए भी तकरीबन इतने ही तरह के लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। उसके लिए सरकार अब सिंगल विंडो सिस्टम लाने जा रही है, जिसके तहत आप किराना स्टोर या ढाबा खोल सकते हैं। बेशक आपके किराना स्टोर में कोई खरीदार आए या ना आए, आपके ढाबे में कोई खाने आए या ना आए, लेकिन आप काम पे जरूर होंगे, बेशक आप कमाएं या ना कमाएं। ये मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार ने एक नियम लाने की कवायद करी है, जिसके तहत किराना स्टोर और ढाबा खोलने के लिए जितने अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती थी उसको कम किया जाएगा। सरकार का ये कहना है कि अब किराना स्टोर और ढाबा खोलने के लिए जो 17 तरीके के लाइसेंस आपको लेने पड़ते थे उसमें कमी की जाएगी और सिंगल विंडो सिस्टम अब लगाया जाएगा। यानी कि सुविधा के तहत अब एक ही विंडो से आप सारे लाइसेंस ले लेंगे, यानी कि लाइसेंस बहुत कम होगी अब उसके लिए। एक सैंडविच बेचने के लिए 24 तरह के पेपर्स आपको पुलिस को जमा कराने पड़ते हैं, लेकिन सरकारी नियम के मुताबिक एक हथियार लेने के लिए मात्र 13 तरह के डॉक्यूमेंट आपको पुलिस को देने होते हैं। सरकार ये जो नियम लाने जा रही है इसमें फिर ईज ऑफ बिजनेस का हवाला दिया जा रहा है। आप लोगों को ये पता है कि किस तरह से मेक इन इंडिया के नाम पे जो हुआ, मैं एक उदाहरण दे दूं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो डिफेंस में सप्लाई के लिए काफ़ी सारे सामान बनाती है, उस पर पीछे एक आंदोलन हुआ था। उन लोगों का कहना था कि जो ऑलरेडी सामान इंडिया में बन रहा है उसी सामान को बनाने के लिए विदेशी को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, विदेशी कंपनी को इन्वॉल्व किया जा रहा है, और जिसके तहत बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ वहाँ से जा रही थी। आपको पता है कि किस तरह से BSNL ख़त्म होता जा रहा है या ख़त्म किया जा रहा है? तो ईज ऑफ बिजनेस BSNL के लिए नहीं है, जो एक नवरत्न की कंपनी थी। खैर, पहले यह समझने की जरूरत है कि यह जो किया जा रहा है इससे क्या बेरोजगारों को फायदा होगा? क्या सारे बेरोजगार खाली बेचने वाले बन जाएंगे? खरीदने वाले भारत में बचे हैं कोई? इस पे जरा बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे ऐप बेस्ड की। जिस तरह से ऐप बेस्ड ने इंडिया में आके अपने पांव पसारे और बिना किसी रेगुलेशन के उनका व्यापार दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता गया, जिसके काफी सारे उदाहरण हैं। चाहे आप होटल इंडस्ट्री की ऐप की बात कर ले, रेस्टोरेंट की ऐप की बात कर ले, जैसे स्विगी और जोमेटो, फूड पांडा, इसकी बात कर ले, रिटेल मार्केट में आपका ऐप है, चाहे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट की बात कर ले, शिक्षा के क्षेत्र में ऐप जैसे आप बैजू वगैरह की बात कर ले, और भी छोटे मोटे कई ऐप आ चुके हैं, मेंटेनेंस में ऐप, चाहे आप अर्बन क्लैब की बात कर ले, किराना स्टोर यानी ग्रोसरी की बात करें तो उसमें भी ऐप आ चुकी है, बिग बास्केट की बात करें छोटे मोटे तो और सारे ऐप आ गए हैं, मेडिसिन डिलीवरी की बात करें तो उसमें भी ऐप आ चुका है, तो और भी कई सारे फील्ड में सारे में ऐप आ चुके हैं, और जिसके तहत सिर्फ एक ही ऐप आना शायद मेरे ख्याल से बाकी रह गया है, जो शमशान में बुकिंग की ऐप है, तो सिर्फ उसमें एक ऐप बची है। तो जीवन से लेकर के, यानी कि पैदा होने से लेकर के और शमशान घाट तक के लिए ऐप की सुविधा आ चुकी है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से ऐप बिना कानून के ये सब चल रहे हैं, छोटे व्यापारियों के क्या हाल हैं, होटल वालों के क्या हाल हैं, रेस्टोरेंट वालों के क्या हाल हैं, ये भी सामने है। लेकिन इन सब के बीच क्या ये किराना स्टोर या जो ये आपका ढाबा है ये खोलने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? इस पे मैं पहले आपको एक आंकड़ा देता हूं। भारत में 57% जो वर्कफोर्स है, रेगुलर वर्कर है, उनकी सैलरी पर मंथ की 10,000 रुपए या उससे कम है। तकरीबन 59% जो वर्कफोर्स है, जो कैजुअल लेबर है, उनकी सैलरी 5,000 या उससे कम है। अब आप कल्पना कीजिए कि ये इतने प्रतिशत लोग जो जीविका इतने कम पैसों में जी रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि ये आप पहले मत सोचिएगा कि गवर्नमेंट का जो फिक्स वेजेज है वो क्या है, ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कितने लोगों को मिलता है ये जमीन पे जो हकीकत है ये कुछ और है। तो अब जो ढाबा खोलेगा वो कहाँ खोलेगा? दिल्ली शहर में ढाबा खोल सकता है कोई आम आदमी? नहीं खोल सकता है। आप दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे की बात करें, दोनों तरफ रेलिंग है, किसानों की जमीन है, लेकिन जो इटेरी है, जो खाने पीने के लिए एक जगह बनी है दो जगह पे, वो किसी प्राइवेट वालों का है या किसका है मुझे अभी नहीं पता इस बारे में, लेकिन एक आम आदमी नहीं खोल सकता है क्योंकि सड़क से उतरने की गुंजाइश नहीं दी गई है, वो अपना व्यापार या ढाबा वहां पे नहीं खोल सकता है। आप आगरा से लखनऊ हाईवे पे बढ़ें, वहां पे यही हाल किया गया है।
कि वहां पे भी दोनों तरफ रैलिंग लगी है। अगर कोई किसान जिनका जमीन है वहां पे, जिसका बच्चा बेरोजगार है, वहां ढाबा खोलना चाहे, कैसे खोलेगा वो? यानी कि कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो ढाबा खोलेगा कहां? शहर में। शहर में अगर वो ढाबा खोलेगा तो उसका ढाबा चलेगा, क्योंकि हर शहर में आप किसी भी ऐसे मोहल्ले में चले जाइए, मैं दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता की भी बात कर रहा हूँ, अच्छे शहरों की बात कर रहा हूँ, या NCR गाजियाबाद की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, हर हर नुक्कड़ पे आपको ठेले पे पूरी सब्जी बेचते मिल जाएंगे, कोई छोले भटूरे बेचते मिल जाएगा, वो तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं। तो इसमें नया क्या है ढाबा वाले कॉन्सेप्ट में? हाँ, ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे अब जो ये ढाबा और या ये आपका किराना स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर खुलेगा, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन खोलेंगे जो ऐप के थ्रू आपको डिलीवरी देंगे और जो देते भी आ रहे हैं। क्या छोटे आदमी इन धंधों को कर सकता है आज के डेट में? नहीं कर सकता है। अगर वो ढाबा खोलता है किसी गांव देहात में जाके तो उसकी इनकम क्या रहेगी वहां पे? अगर वो किराना स्टोर खोलता है किसी ऐसे गांव देहात वाले जगह पे, उसकी कितनी इनकम हो सकती है वहां पे? अगर आप दिल्ली NCR में भी अब किसी ऐसे मोहल्ले में ढाबा या अपना घर के नीचे किराना स्टोर खोले, कितना बेच के कमा लेंगे? क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से ऐप के थ्रू डिलीवरी होती है, जो पैसे वाले हैं वो तो घर पे सामान मंगा लेंगे, जो थोड़े से ज्यादा पैसे वाले हैं वो मॉल में जाके खरीद लेंगे। तो आपके दुकान पे, यानी कि जो वो बेरोजगार अगर खोलता है 20-30 हज़ार पूंजी लगा के किराना स्टोर भी अपने घर के अंदर में, तो उसके खरीदार उसी कैटेगरी के लोग होंगे जो मैंने बताया कि महीने के 10 हज़ार या उससे कम कमाते हैं, और जो कैजुअल लेबर है वो 5 हज़ार महीना या उससे कम कमाते हैं। ये वो खरीदेंगे क्या? आधा किलो चावल, आधा किलो आटा पर शाम के हिसाब से, क्योंकि उनकी कमाई ही इतनी है। तो क्या वो इतना बेच के वो बेरोजगार, उसको रोजगार मिल जाएगी, वो अपना रोटी खा लेगा? अगर मिनिमम 5 हज़ार का हम सेल माने किसी अच्छे ग्रोसरी शॉप का जो मीडियम क्लास के हैं, तब जाके वो 10% मार्जिन अगर हम मानते हैं, होता नहीं है एक्चुअली, कई प्रोडक्ट पर इतने मार्जिन नहीं है किराने स्टोर में, तब जाके भी वो 500 रुपया कमाएगा। लेकिन 5 हज़ार का सेल किसी झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में या किसी बहुत ही ऐसे निम्न स्तर के एरिया में अगर वो किराना स्टोर खोलता है, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे फायदा उनको होगा जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो प्रमुख जगहों पे मेन शहरों में अपना जगह लगे किराना स्टोर या ढाबे के नाम पे रेस्टोरेंट खोलेंगे और फिर वो उसे चलाएंगे, तो फायदा तो उनका होगा। तो ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे जो सुविधाएं लाई जा रही है, इससे क्या बेरोजगारों को फायदा होगा? क्या वो ढाबा और किराना स्टोर खोल के अपनी रोजी रोटी चला पाएंगे, अपना परिवार चला पाएगा? तो अगर आप प्रैक्टिकली पूछेंगे तो मेरी राय है कि बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि आज के डेट में ढाबे के लिए जमीन हो या किराना स्टोर के लिए जगह हो, ये दोनों ही एक आम जो बेरोजगार कोई है उसके लिए नामुमकिन है। तो ये ढाबे के लिए लाइसेंस और रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस की जो प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा रहा है, इससे बड़े बड़े बिजनेस और व्यापारी घरानों को ही फायदा होने वाला है, आम आदमी को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। शुक्रिया दोस्तों, अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि आप कितने सहमत हैं इस बात से कि क्या किराना स्टोर और ये ढाबा का जो लाइसेंस में छूट दी जा रही है, इससे आम आदमी को फायदा होगा या नहीं होगा। शुक्रिया दोस्तों।